व्हाट्सएप पे गेमर क्या हाल चाल है दोस्तों, ये मेरा सेकंड पार्ट है वीडियो स्पेशली रिडीम कोड के बारे में कि रिडीम कोड कब एक्सपायर हो जाती है, रिडीम कोड पिन कोड क्या होता है, रिडीम कोड को कैसे रिडीम किया जाता है और फ्री में रिडीम कोड कैसे मिलेगा, मिनिमम कम से कम कितने रुपए का रिडीम कोड हम ले सकते हैं, मैक्सिमम अधिक से कितने रिडीम कोड का मिल सकता है, खरीद सकते हैं, कहां कहां से रिडीम कोड देखने को मिले और फ्री रिडीम कोड इस वीडियो में आपको कुछ रिडीम कोड में फ्री में दूंगा भी। तो अगर आप फ्री फायर या बीजीएमआई के गेमर हो, प्लेयर हो और आप इस्तेमाल करना चाहते हो प्ले गेम के बैलेंस को यानी गूगल के बैलेंस को किस प्रकार से, और रिडीम कोड कुछ इश्यूज आते हैं रिडीम करने में जैसे कि डिड नॉट मैच इटीसी, रिडीम कोड रिडीम करते हुए एड्रेस पिन कोड क्या होता है उसके बारे में मालूम है, सबको लेकर एक कंप्लीट वीडियो जिसमें आपके सारे सवालों का स्पेशली सेकंड पार्ट वीडियो जवाब हम देने वाले, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। चलिए फटाक से मेरे पास एक नया ईमेल आईडी है जैसे कि आपके पास भी होगा अपना नया ईमेल आईडी, एंड उस ईमेल आईडी पे आपको रिडीम करके दिखाएं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो हमने ओपन कर लिया अपने प्ले स्टोर अकाउंट को, हमारा ख्याल रखे यहाँ पे फ्रेश न्यू ईमेल आईडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने इसमें राइट पे टॉप पे ईमेल आईडी दिखता है वहां पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ कई ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पे पेमेंट और सब्सक्रिप्शन के अंदर में जाना है एंड यहाँ पे रिडीम गिफ्ट को तो नीचे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिडीम कोड को मैनुअली टाइप करते हैं, जैसे कि मैं एक बार A123 ऐसे करके, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इवन डाला कॉपी पेस्ट, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आपने रिडीम कोड जहां से रिडीम किया लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे स्कैन गिफ्ट कार्ड ऑप्शन, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और आपके जो रिडीम कोड, देखो मैंने एक पेज में लिखवा लिया था, ये मेरा रिडीम कोड है और मैं डॉलर हटाता हूँ इतने को और कैप्चर कर लिया और मैं ओके करूंगा। देखो यहाँ पे बूम रिडीम कोड अपने आप यहाँ पे फिल हो गया और ये रिडीम कोड 10 रुपए, मैं अभी इसे रिडीम नहीं करूंगा। बाकी अगर कोई ऐप तैप से आप करते हो तो ये रिडीम कोड रिडीम लिया, हम जैसे जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे अगर पहले से आप कर रखे हो तो आपका इजिली हो जाएगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस प्रकार से आपको नेम, कंट्री, एड्रेस, एप्लीकेशन, सिटी, पिन कोड, स्टेट एंड मोबाइल नंबर इसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी हमको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम इस डिटेल को भर लेंगे। तो डिटेल में क्या भरना है, नेम तो आपका बैटरी पूरा नहीं तो अपना नाम डाल दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो कंट्री डाल दें, स्ट्रीट में आप जहाँ घर है आपका, मान लीजिए आपका घर कोई जगह है जहाँ का मतलब कि आपके घर का मोहल्ला का नाम कुछ है वो यहाँ पर डाल ले, उसके नीचे आपके लैंडमार्क आसपास कोई स्कूल वगैरह है वो यहाँ पर डाले, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे कि दुर्गापुर, अब आपके बगल में यहाँ पे कोई नियर कोई मिडिल स्कूल है या फिर कोई और चीज आसपास लैंडमार्क जैसे वार्ड नंबर हो गया, सिटी आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, मान लीजिए जैसे कि कानपुर में कर देता हूँ, सिटी डाल दिया, पिन कोड, ये पिन कोड बहुत ही ज्यादा पेचीदा चीज है भैया। तो देखो पिन कोड के बारे में स्पेशली कुछ बात बता दो, पिन कोड जो होता है हर एक सिटी का आपके एरिया का एक स्पेशली पिन कोड पोस्टल कोड हो जाता है, जहाँ के वहाँ का डाकिया का एक डेडिकेटेड होता है, जैसे आपको चिट्ठी आती थी पहले तो वो पिन कोड इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर पिन कोड मालूम है अपने सिटी का वो डाल दो, आपको अपने सिटी का पिन कोड जहाँ पर रहते हो गूगल सर्च करना पिन कोड अपने सिटी का, जैसे कानपुर का पिन कोड मैं गूगल पर सर्च कर दूँ तो हम सर्च करेंगे कानपुर पिन कोड, जैसे सर्च करेंगे टॉप पे हमको पिन कोड मिल जाएगा, ये सब जिप कोड जो ये सारे 208001 आप कोई इनमें से डाल दो, ये मैंने एग्जाम्पल के कानपुर दिखाया, आप अपने जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो वो डाल देना है 208001। देखो ये पिन कोड जो होता है ये आपका 6 डिजिट का होता है और ये आपके एरिया का हर एरिया का अलग अलग होता है, तो आप उसे मैच करना देख लेना, उसका स्टेट आप कौन से स्टोर से बिलोंग करते हो, तो कानपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ मैंने उत्तर प्रदेश, नीचे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप अपना जो दिख रहा है उसे रहने दे या फिर आप अपना जो नंबर वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, एड्रेस डाले, पिन कोड मैंने बता दिया, उसके कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है और कंटिन्यू कर, जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे डिटेल एड इन किया जाएगा और सब कुछ सही रहेगा, तो इजिली सक्सेसफुली रिडीम आपका रिडीम कोड हो जाएगा। अब रिडीम कोड होने की बात दिक्कत, देखो अभी सबसे सवाल आएगा मिनिमम कितने रुपए रिडीम कोड बना सकते हैं, मैंने बताया था तो 10 रुपए का मिनिमम रिडीम कोड बना सकते हैं, जो मैक्सिमम रिडीम कोड है वो आप 5000 तक खरीद सकते हो, जो मिनिमम है वो 10 रुपए से। अब हमारा रिडीम कोड तो रिडीम हो गया, मिनिमम मैक्सिमम जान गए, अब दिक्कत आपको आती है कि हम जो रिडीम कोड रिडीम उसका बैलेंस कैसे चेक करें, रिडीम कोड कैसे पता करें हमारा रिडीम हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो आप अंदर क्लिक करो या रिडीम कोड गिफ्ट कोड के उससे ऊपर देखो ना पेमेंट मेथड लिखा होगा ये वाला ऑप्शन, इस वजह से आप क्लिक करोगे आपको टॉप पे जितने भी अमाउंट है गूगल प्ले बैलेंस बोल वो दिख जाएंगे, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि हम रिडीम किए और ये ना। अब यहाँ पे एक और दिक्कत देखने को मिलेगी,
कि आपके मोबाइल में मल्टीपल ईमेल आईडी, मतलब जैसे ईमेल आईडी क्लिक करोगे और व्यू करोगे ना, तो आपके मोबाइल में एक से ज्यादा ईमेल आईडी आपने डाल रखा हो अलग अलग अकाउंट से। अभी मल्टीपल ईमेल आईडी जब आप गेम के ऊपर जब रिडायरेक्ट होते हो कोई परचेज करने में, तो वहां पे जो सबसे पहला ईमेल आईडी लॉगिन करते हो मोबाइल में उससे ही चेक होगा। मान लो आपने इतने सारे ईमेल आईडी है और सबसे पहला कोई और डाल रखा और पैसे किसी और में डलवा लिया है, तो वहां पे आपको दिक्कत देखने मिलेगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि पहले चेक करना है बैलेंस आखिर किस ईमेल आईडी में, उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके पेमेंट मेथड के अंदर जाकर आप टॉप अप बैलेंस चेक कर लो। अब आपको पता चल गया कि आपके जिस ईमेल आईडी बैलेंस है वो ईमेल आईडी कौन सी। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है, वहां पे अकाउंट सेक्शन मिल जाएगा, अकाउंट साइक्लिंग या अकाउंट, वहां पे आपके गूगल अकाउंट के अंदर जितने भी ईमेल आईडी है जिसमें बैलेंस है उसको छोड़ के सब पे क्लिक करके साथ रिमूव मोर ऑप्शन क्लिक कर रिमूव अकाउंट कर दे, जो ईमेल बैलेंस ईमेल आईडी को छोड़ दे, बाकी जिसमें बैलेंस है सबको रिमूव कर दे, बाद में दोबारा एड कर लेना, लेकिन जिसमें बैलेंस उसको छोड़ के सबको हटा दे, फिर से गेम में जाओ, आपका जिसमें बैलेंस वो ईमेल आईडी से लेगा और आपका परचेस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पिन कोड का इशू सॉल्व हो गया, पिन कोड क्या समझ गए, बैलेंस किसमें है उसमें कोई और ईमेल आईडी उसके इशू में समझ आ गया। यहाँ पे एक दिक्कत और देखने को मिलती है कि रिडीम कोड डिड नॉट वर्क, या फिर वर्क इन स्पेसिफिक इन इंडिया, या फिर दिस रिडीम कोड अलग अलग टाइप का आपको इरर देखने को मिलेगा। तो इसका एक कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं है कि आपका रिडीम कोड काम नहीं कर रहा है, या फिर आपने परचेस किया इंडिया का यूज करने बताया से मेरे का कई पैसे बर्बाद हो गए रिडीम कोड के और कई सारे लोग का, इस प्रकार से कि वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिडीम कोड गिफ्ट कार्ड सेंडर डिटेल, इस प्रकार इधर देखने को मिलता है, या फिर ऑलरेडी रिडीम दिखता है तो इसका मतलब है आपके उसमें रिडीम हो चुका है या फिर कोई रिडीम कर चुका है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अगर इसमें एक कोड में चेंज कर दो रिडीम करो तो जिस रिडीम कोड डिडंट वर्क करके आएगा, या फिर जिस रिडीम कोड कोड फॉर स्पेसिफिक ऐप रिडीम दिस ऐप आएगा, ये सब मतलब रिडीम कोड कुछ गलत डालोगे तो दिक्कत मिलेगा। अगर एलईडी यूज दिख रहा है मतलब कोई इस्तेमाल कर चुका है, या आपके उस गूगल में इस्तेमाल हो गया जिसे आप पेमेंट मेथड के अंदर क्लिक करके चेक कर सकते हो, या फिर नीड मोर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो यहाँ पे गूगल डिटेल भेजना होगा, लेकिन एक तरह का ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसका फिलहाल अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस कुछ चीजों की जानकारी रखनी है जो आपसे हो जाएगा। एंड अब लास्ट फाइनली बात आती है फ्री रिडीम कोड के बारे में, फ्री रिडीम कोड कहाँ से कैसे मिलेगा। तो कुछ रिडीम कोड में सिर्फ एक शो करूंगा फ्री में, इससे पहले मैंने दो और रिडीम कोड शेयर किया है जो इस वीडियो में पहले कहीं ना कहीं डिस्प्ले शो कर दिया हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देखो, रिडीम कोड दिखता है तो आप रिडीम कर लो, आप लकी हो, जिनको नहीं मिला है सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर जरूर रिडीम कोड फ्री देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाक से रिडीम कोड हम बनाते हैं और आपके सामने एक रिडीम कोड लाइव देते हैं, और जितने का भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्री रिडीम कोड आपको मैं दूंगा। एंड 10 रुपए डाल दिया, कंटिन्यू। आपको Amazon पे से अगर रिडीम कोड बनाते हो तो आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे 5% कैशबैक, और हम स्वाइप कर दिए, आपके सामने रिडीम कोड लाइव होने वाली है, आपको नोट कर लेना। दो रिडीम कोड मैंने दिया वीडियो को पहले कहीं ना कहीं बीच में डाला हूँ, आप वीडियो को चेकआउट जो कर लिया है अच्छी बात, जो नहीं किया वेट करो। और एक और बात, आपको रिडीम कोड आज देते हैं, अवेटिंग कन्फर्मेशन बिलर, रिडीम कोड शो हो चुका है यहाँ पर, जिनको दिख रहा है वो फटाक से रिडीम कर ले, और जो रिडीम कर लीजिए कमेंट कर देते। अब आपको एक इशू और आएगी कि रिडीम कोड एक्सपायर कितने दिनों में हो जाएगा, सवाल जाहिर सा है, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बताया रिडीम कोड एक्सपायर कितने दिनों बाद हो जाता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो।